What's up beautiful people, ki hal chal, sat sri akal, I hope aap sab badhiya honge meri tarah. So aaj basically jis kaam ke liye main ja raha tha na, to maine socha ki jaane se pehle ek bar hame gurudware darshan zarur karne chahiye, kyunki jo aaj jis kaam ke liye hum ja rahe hain wo ek tarah se jua hai. Jua kaise hai? To chalo pehle bata deta hu, main ja raha hu vaccination lagwane, kyunki yahan pe जो मेरे घर के पास थी वैक्सीनेशन वहाँ पे मुझे मिल नहीं रही थी, तो दो तीन बार मैंने ट्राई किया बट हर बार कहीं जहाँ पेड भी नहीं मिल रही थी और फ्री वाली भी नहीं मिल रही, दोनों ही नहीं मिल रही थी. तो मैंने अपना ट्राई किया तो मेरे ऑफिस में लग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आज जाके ऑफिस में लगवा लेते हैं. तो वो जुआ ये कैसे है, किसी मैंने सुना है किसी को बाजू में दर्द होती है, किसी को बॉडी पेन होता है, किसी को नींद आती है, तो किसी को फीवर हो जाता है, तो नहीं पता कि क्या होगा. तो इसलिए एक तरह से ये जुआ ही है. तो बस जा रहे हैं आज वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने कहा आपको भी लेके चलते हैं. और वैक्सीनेशन के बाद मैंने सुना है कि क्या डूज एंड डोंट्स, डोंट्स ही हैं कि नॉनवेज नहीं खाना. आई थिंक कुछ 48 आवर्स के लिए, मेरे को कन्फर्म नहीं है, तो एक बार उनसे अच्छे से पूछेंगे कि क्या है प्रोसीजर. पहले मैंने सोचा कि मैं बाइक पे चले जाऊं, बट लेटर मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि धूप मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो गई है. तो मैंने कहा जैसे धूप में फिर कोई फ़ायदा नहीं है बाइक पे जाने का, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत काला हो चुका, तो और काला ना हो जाऊँ, तो इसलिए गाड़ी पर जा रहे हैं. थोड़ा सा एक चक्कर भी लग जाएगा. तो मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, आज मैं वैक्सीनेशन लगवाऊँगा, आपको वहाँ तक वीडियो दिखाऊंगा, उसके मतलब थोड़ा सा दिखाऊंगा. बाकी के वीडियो का पार्ट जो है वो मैं कल बनाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, मतलब क्या वैक्सीनेशन के बाद क्या हुआ, कोल्ड हुआ या जो भी हुआ, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको. तो इसलिए पहले वैक्सीनेशन, फिर वीडियो पॉज, बाकी का पार्ट कल. तो चलो फटाफट से चलते हैं वहाँ रास्ते में, फिर आपसे बात करते हैं. क्या ब्यूटीफुल मौसम है, तो चलो एक बार ना आप मौसम देखो जरा. और हमने क्रूज कंट्रोल चेक ना यूज़ ना किया तो क्या फ़ायदा. तो अभी ना हाईवे वाली रोड पे जाके, जो गुड़गांव दिल्ली हाईवे है वहाँ पे जाके वहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी चलाएंगे, वो भी एंजॉय करेंगे. पता क्या होता था कि पहले मेरे को ना एक्चुअली मैं जो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है. उसमें मेरे को कलर ग्रेडिंग करनी नहीं आती एडिटिंग. देखो मैंने इंटरनेट ऑनलाइन देख देख के सीख सीख के थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ, इफेक्ट्स डाल लेता हूँ, बट मैं कलर ग्रेडिंग मुझे नहीं आती है. तो कलर ग्रेडिंग के लिए समझ नहीं आता कि क्या करूँ. और पहले वाला जो कैमरा था उसमें मेरे को कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उसके कलर्स अच्छे नहीं होते थे, बट इसमें तो कलर्स भी इतने अच्छे हैं कि मेरे को कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अभी ना हाईवे आ चुका है, तो एक बार मैं क्रूज़ कंट्रोल ऑन करता हूँ और क्रूज़ पे गाड़ी चलाते हैं. हियर वी गो, क्रूज़ सेट. चलो अब चलने दो इसे. और मैंने देख लो पैर हटा दिया. पे बहुत अंधेरा है. अभी स्टोरी क्या हुई कि मैं आ तो गया, मैं अपने जिस ऑफिस जिस ब्रांच में मेरा ऑफिस था डीएलएफ साइबर सिटी,
वहाँ गया, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि वैक्सीनेशन इस ब्रांच में नहीं हो रही है, दूसरी वाले इन्फो सिटी में हो रही है। तो फिर अब वहाँ से निकला, वहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे आके वैक्सीनेशन के लिए आ गया हूँ मैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ पे हो रही है वैक्सीनेशन। Many unbearable hours later. Finally, I got vaccinated. But यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं इतना तो हुआ क्या कि एक बार रुक के मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे साथ अभी। राइट, सो आफ्टर वैक्सीनेटेड मुझे 20 मिनट्स के लिए वेट करने के लिए कहा गया। 20 मिनट्स, 10 मिनट्स बाद मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना मेरी बॉडी के अंदर कोई चीज़ बॉडी के अंदर से पूरी बॉडी में फैल रही हो। जैसे सपोज कि जैसे कहते हैं ना कि पानी पानी निकल रहा है बॉडी के अंदर से, ऐसे लग रहा है कि पूरी बॉडी में कुछ फैल रहा है और बॉडी थोड़ी सी हीट कर रही है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। और बस यही हो रहा है अभी, तो बाकी अभी देखते हैं कि और क्या क्या होते हैं, तो साथ के साथ आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे कुछ होगा। अभी ऐसा और कुछ नहीं हो रहा, तो बस मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बॉडी हीट लग रही है, हीट की बॉडी थोड़ी गर्म है, और सेकंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कुछ जा रहा है। तो वो चीज़ तो खैर है कि वैक्सीनेशन हुई है तो वो तो लगेगा ही कि कुछ जा रहा है, तो बट पता नहीं। और मुझे लगी है कोविशील्ड लगी है दूसरी, मैं स्पुतनिक चाहता था वो मुझे मिली नहीं, तो कोविशील्ड ही मिली, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं जो मिले वो सही। चलो अब फटाफट चलते हैं अभी, और फिर आगे की बात आपको बताएंगे हम। कुछ मैं ना बताना चाहता था, आई डोंट नो कि मैंने आपको बताया या नहीं बताया। सो हुआ क्या कि मैं चाहता था कि वैक्सीनेशन जो लगाते हुए ना मैं आपको अंदर का सारा दिखाऊं, बट रीज़न क्या था, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि ये कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, मतलब कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ये हमारी कंपनी का प्रीमिसेस है तो अलाउड नहीं है, जिस वजह से मैं आपको कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं पाया। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अंदर वैक्सीनेट जहाँ पे हो रही थी वो एरिया भी नहीं दिखा पाया। तो बाकी ना मैं वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, बाकी आपको कल आके बताऊंगा कि क्या क्या लगा, और ये वीडियो को फिर हम परसों अपलोड करोगे, ठीक है ना। तो चलो आप भी अब रेस्ट करो, मैं भी घर पहुंचने वाला हूँ, कुछ खाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। सैटरडे को वैक्सीनेशन जो हुई थी ना, सैटरडे बिल्कुल ठीक गया, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई जिसमें आपको मैंने बताया था। संडे बहुत बुरा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस वजह से संडे को मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। आज मंडे है, मंडे अभी वर्कआउट जिम से होके आया हूँ, तो ठीक है अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, सही है। संडे मैंने इवनिंग में मेडिसिन खा ली थी फीवर की, तो उससे बॉडी पेन भी मेरा ठीक हो गया। तो अभी जिम से आया तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, तो बाकी सब कुछ ठीक है। और आप लोगों ने अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लो, ताकि अगर वेव 3 आती है तो यार उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहे सब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।